ये दौर करके। फिर मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? आपने फरमाया अपनी पड़ोसी की बीवी के साथ सिना करना, है ना, वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन ये बुराई और दो चंद हो जाती है जब आदमी अपने पड़ोसी की बीवी के ऊपर बुरी नजर डाले और उसके साथ बात करे। इस हदीस पाक से यह साबित हुआ कि सबसे बड़ा गुनाह हजरत अब्दुल्लाह ने मसूद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया कि लस्त मुशरिक। जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि सबसे बड़े गुनाह को करे। यह कुरान हकीम की आयत से साबित हुआ और हदीस से साबित हुआ। क्यों क्यों नहीं जाएगा? ये इसका जवाब है कैसे कैसे नहीं जाएगा? अब हाउ गए दलील दलील यह दूसरे का वान बर्रादिन कातिबी मुखीरत अली मुखीरत قال قال صاد بن عباد رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا معي امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه بدعه من الله ومن أجل ذلك بعث الله الجنة رواه البخاري في كتاب التوحيد هذا الإمام البخاري حديث باب وزير كتاب التوحيد من الآية عجيب بات یہ ہے کہ پوری حدیث پڑھ جائے گی اس میں نہ تو شرک کی شین کہیں ہے اور نہ توحید کی تے इस पूरी हदीस पाक में कहीं शिर्क का शीन नहीं है और तौहीद की ते भी नहीं और इमाम बुखारी को किताब तौहीद मिला है। तो इस हदीस पाक का जिसके अंदर शिर्क का भी बयान नहीं है न तौहीद का बयान है, इमाम बुखारी इस हदीस पाक को किताब तौहीद में क्यों ला रहे हैं? वजह क्या है? फुकहा के इमाम मुहद्दिसीन हजरत इमाम बुखारी पहले हदीस पाक का तर्जुमा देखें। हजरत मुगीना फरमाते हैं कि मशहूर सहाबी हजरत सालिह बिन उबाद वो फरमाते हैं देखो मैं अपनी बात बता रहा हूं कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी आदमी को देख लूं लव रईत रजुल मा इमराती अगर मैं अपनी बीवी के साथ खलवत में किसी आदमी को देख लूं तो दर्द तो भी सही आई विल किल हिम या आई विल किल बोथ ऑफ देम उसे खत्म करूंगा और गैर मुसफ्फह माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, सब होकर गुजर का तो सवाल पैदा नहीं होगा। आई विल किल हिम उसको मैं अपनी तलवार से मार दूंगा खत्म कर दूंगा एक और गैर मुसफ्फह माफी का तो सवाल पैदा नहीं होगा। तो फबरा लगाई का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सादिक में उबारा की जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो नबी ने फरमाया सहाबे कराम से अताजबून मिन गैरत साद साद की गैरत पर तुम्हें ताजुब हो रहा है देखिए गैरत तलब से अताजबून मिन गैरत साद साद की गैरत पर तुम्हें हैरत हो रही है ताजुब कर रहे वल्लाही लअना अग़यर मिन्हु मैं साद से भी ज्यादा गैरत हूं और वल्लाहु अग़यर मिन्नी और अल्लाह मुझसे ज्यादा गैरत और इसी गैरत की वजह से कि अल्लाह बहुत खजूर है गैरतमंद है उसने छुपी और खुली बेहयाइयों को हराम कर दिया। पूरी हदीस देख डालने के बाद इमाम बुखारी से खिलाफ तौहीद में क्यों लाए वो मैं बताना चाह रहा हूं। हजरत साद इब्न उबाद ये कह रहे हैं कि मैं अगर अपनी बीवी के साथ किसी गैर आदमी को देख लूं तो उसको कत्ल कर दूंगा माफ नहीं करूंगा ये मेरी गैरत का तकाजा है। इमाम बुखारी ये कहना चाह रहे हैं कि एक आदमी अपनी बीवी में शिद्दत गवारा नहीं कर सकता और वो आदमी काबिले दर्दन जदंगे माफी के काबिल नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत में किसी को कैसे शरीक कर सकता है जबकि वो नबी से भी ज्यादा गैरतमंद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस पाक को किताब तौहीद मिलाकर यही बारीक इस्तिदलाल फरमाया चाहिए व्हाट अ सेटल
सेकंड डिटेक्शन कितना बारीक और रनिंग स्पीड का था वो, कि एक आदमी अपनी बीवी में जब शिद्दत दबाना नहीं कर सकता और उस शख्स को जो शहीद हो काबिले गर्दन जख्मी समझता है, माफी के काबिल नहीं समझता, एक आम आदमी है गैरतमंद हो गया और उससे ज्यादा गैरतमंद सहाबी हो गया, सहाबी से ज्यादा गैरतमंद नबी हो गया, नबी से ज्यादा गैरतमंद अल्लाह तआला हो गया। तो अगर सहाबी ये कहे कि मैं अपनी बीवी के अंदर शिरकत का नहीं कर सकता और शिरकत करने वाले को काबिले माफी नहीं समझता, काबिले गर्दन जख्मी नहीं समझता हूं, तो बताइए अल्लाह तबारक व तआला इतना गयूर है वो अपनी इबादत में शरीक करने वाले को बख्शेगा कैसे, उसको छोड़ेगा कैसे? जाहिर है कि मार डालने का मतलब ये कि हमेशा जहन्नम में रहे और बख्शा न जाने का मतलब ये है उसे माफ न किया जाए। खैर मुसाफिर लहू रअइत रजुलन माई मवादी लदरत बिसे गैर मुसाफिर, इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि से बात को किताब उतर कर हुआ है, औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द शिर्क की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को रद्द शिर्क की सबसे बड़ी दलील बनाया। बात अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को मेराज में बुलाया और कुछ गिफ्ट्स दिए, आइए वो हदीस पढ़ते हैं वो गिफ्ट्स क्या हदीस वन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु قال लम्मा उसरिया برسول الله صلى الله عليه وسلم كنت هي به الى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة اليها ينده ما يورج به من الارض فيقبض منها واليها ينده ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال اذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فقوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقوت يا الصلوات الخمسة وقوت يا خواتيم سورة البقرة وقوت يا وغفر لمن لا يشرك بالله من أمتي شيئا المكرمات इसलिए कि रसूलुल्लाह रूह नहीं होते बल्कि इस कान को देख खाकी और रूह के मजमूए का नाम, बदन और जिस्म के बदन जिस्म और रूह के मजमूए का नाम रसूलुल्लाह, रूह को रसूलुल्लाह नहीं बोलते ना बदन को रसूलुल्लाह बोलते, रसूलुल्लाह बोलते हैं बदन और रूह के मुरक्कब को। रसूलुल्लाह कौन? जिनका एक बदन था और एक रूह थी, तो रूह और बदन के मुरक्कब को रसूलुल्लाह कहा गया। यह लफ्ज़ रसूलुल्लाह बता रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी हुई है, जिस्म और रूह के साथ, सिर्फ रूह के साथ। तो लम्मा उसरिया बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करेगी, कहां तक पहुंचे जा रहे नीचे से पलंगी, कोई साइंसदान अब तक वो सवाल नहीं मार सका है जो इस बुलंदी तक मुझे ले जा सके। ये बुलंदी कहां, ये बुलंदी कहां है जहां तक आपको ले जाया जाता है जैसे ले जाएगा उन तुहिया भी इला सिद्रति मुंतहा, इंतहा कहां हुई उन तुहिया भी इला सिद्रति मुंतहा, सिद्रतुल मुंतहा पर आपको ले जाएगा। सवाल पैदा हुआ ये सिद्रतुल मुंतहा है कहां, जवाब दिया गया वही है सवाई सादे सा, ये छठे आसमान पर, छठे आसमान पर है, आप नीचे से जा रहे हैं जिस्म मारूफ के साथ, इंतहा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा कहां है जवाब दिया गया
एक सवाल और पैदा हो जाए, मुंता है मुंता है मुंता का मतलब होता है एंड एंड मुंता प्लस एंड, तो इसे मुंता क्यों कहा गया? उसका जवाब दिया जा रहा है इलैहा युंतहू मा यूरजु बिहि मिनल्लाह, यहीं पर नीचे से आने वाली तमाम चीजों का लास्ट स्टॉप है, ये लास्ट स्टॉप है, नीचे से जितनी चीजें जाती हैं उसका लास्ट स्टॉप ही अब ये खुद वहां नहीं जा सकते। आप बोलते अगर आगे जाना हुआ नीचे से जाने वाली चीज को तब वहां से फरिश्ते आएंगे, वहां से लेने वाले फरिश्ते इधर के नहीं होंगे उधर के होंगे, वहां से आने वाले फल मिन्हा ये चीज वहां से ले ली जाती है, कैरियर भी और कैरियर भी दोनों के दोनों को अगर आगे जाना है तो फिर वहां से फरिश्ते ले जाएंगे, ये लोग खुद नहीं जा सकते। लास्ट स्टॉप है और बताया गया नीचे से जाने वाली चीजों का लास्ट स्टेशन ये आपकी स्टॉप है, टर्मिनस है। अच्छा और वही नहीं हा यूंतहू मा युहबतु बिहि फौकहा, और ऊपर से जितनी चीजें आती हैं कैरियर और कैरियर दोनों उनका भी उनका ही, ये नीचे नहीं जा सकते जब तक के इनको यहां के लोग यहां के फरिश्ते नीचे न लाए, फलुक पर मिला यहां से इनको ले लिया जाता है। नीचे वालों की इंतहा सिदरतुल मुंतहा, ऊपर वालों की इंतहा भी सिदरतुल मुंतहा, इसी वजह से उसे सिदरतुल मुंतहा कहा गया। ऊपर से आने वालों का भी टर्मिनस और नीचे से जाने वालों का भी टर्मिनस, टर्मिनस मींस इंतहा, मुंतहा मुंतहा का ऐन तर्जमा होता है टर्मिनस। अब आगे नहीं चलते, अब आगे आपको जाना है तो वहां वहां से दूसरी गाड़ी जाती है और दूसरे लोग ले जाते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लाए गए सिदरतुल मुंतहा और कुछ देर के बाद फिर आपको आगे ले जाया गया, अब ऊपर वाले ले जा रहे हो कहां तक गए आप? पास लोग कहते हैं कि आज पर आप चले यहां तक के लब भेदा मारने की क्या जरूरत है, अब जब तक ये नहीं देखे अल्लाह भेटा मार रहा था तो भेटा मारेंगे कैसे, तरीब चाहिए ना अल्लाह भेड़ा वाला था, कहा करके अशर कहा करके हदीस वान इब्न शहाब अखबरनी इब्न हसम अन इब्न अब्बास व अबा हब्बत قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روي جبي حتى سهرت لمستر اسمع فيه صريف الاقلام رواه الطبراني في المجمع الكبير حضرت امام الطبراني في حديث الطبراني في المجمع الكبير کہتا ہے حضرت ابن عباس اور ابو حبہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری جب بھی مجھے سدرت المنتہا سے اوپر جب چڑھایا گیا تو مجھے کہاں تک لے جائے گا حتی سہرت لمستوی مستوی اس لیول حتی سہرت لمستوی ایسی جگہ پر مجھے لے جایا گیا اسمع فیہ صریف الاقلام جہاں میرے کانوں میں قلموں کے چلنے کی سرسراہٹ آ رہی تھی शरीर और शरीफ भी हदीस में लफ्ज शरीफ है तो शरीर और शरीफ दोनों का मतलब एक ही है, तो वहां मैंने कलमों के चलने की आवाज सुनी बस यही तक मैं गया, इसलिए कि नबी को खुद पता नहीं मैं कहां तक गया हूं। लिहाजा ऐसे लोगों का कहना कि आप अर्श पर पहुंच गए और उस वक्त आमने सामने है दोनों एक ही है, वही जो हालांकि ऐसा नहीं है दूबदू हुए ही नहीं दूर दूर से बातें हुई वहां तक आपको ले जाएगा, आपको खुद पता नहीं कहां तक गया, वहां के वरिष्ठ आपको कहां तक ले गए हत्ता सहरतु लिमुस्तवल अस्मउ फी सरीफ अल-अक्लाम ऐसे मकाम तक मुझे ले जाया गया जहां मैंने कलमों की सरसराहट सुनी बस उस बुलंदी तक मुझे ले जाया। अल्लाह को आपने नहीं देखा जिन्हें, और जो कोई ये कहे कि अल्लाह को देखा नबी ने वो कौन है झूठा है, दलील दलील क्या है सबक बात आयशा रजीअल्लाहु तआला ने कहा मन हद्दक कान मुहम्मद रहा रब्बो फकद कलबो व यकुल ला तुदरिकुल अक्सा व मन हद्दक कान लौला रब्बो फकद कलबो व यकुल ला या
नहीं देख सकूं। इसका मतलब जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मेराज में अपनी आंखों से अल्लाह को देखा, देखिए अल्लाह है, झूठा है और कस भी दिलाया है और झूठे के ऊपर अल्लाह ही लान। वो आदमी झूठा इसलिए मैं झूठा नहीं दे रहा, सिद्दीक कायनात दे रही हूं फकत वो झूठा है। और जिसका यह अकीदा हो कि नबी को गलत कह था वो मन है देखा जाए तो सारा मामला रंग नूर का है।
फरिश्तों का नूर घेरे हुए। तस्वीर कीजिए तो बदन में रोंगटे खड़े हो जाए। सिद्रक जो कह दिया बयान की गई कुरान हकीम में और इस हदीस पाक में, ताकि फरिश्तों की क्या कैफियत है। हदीस में बताया गया फराश मिलता फराशतुन, फराशतुन का मतलब होता है मौत, मौत द ग्रोइंग इंसेक्ट, वो जो जुगनू होता है ना, जुगनू बोलो वो रात में जो चमकता है जुगनू किरम की शक्ता, ये फराशुन मिंदा फराशतुन का मतलब होता है जुगनू। जमा फराश काला फराशुन मिन सहाबिन, सोने के, सोने के यानी सुनहरे रंग के जुगनू, रंग रंग सोने काला फराश तारा नाम है रंग नूर का है कलर सब लाइट्स कि यक्ष सिद्र का मायक्ष, ये तो सिद्र की कैफियत है। और उसके बाद कहा मेरे नबी अब आप जा रहे हैं, आप तीन चीजों में दे रहा हूं ले जाओ पूतिया कारातन, तीन चीजें दी। पहली चीज वो पूतिया सलावात खम्स, पांच नमाजें दी गई, पहले 50 अदर मुसा बाटा लौटा रहे पांच होती पूतिया सलावात खम्स, पांच नमाजें पांच वक्त। अच्छा दूसरी वो पूतिया खवातीम सूरत बकरा, सूरत बकरा की आखिरी दुआ है। क्यों इसमें कौन सी सी बात है तोहफा के जैसे मैं बता रहा हूं क्या बात है। एक तो पांच वक्त की नमाज दी, दूसरे सूरह बकरा की आखिरी दुआ उकूत या खवातीम सूरह की बकरा, और तीसरा तोहफा अल्लाह ने कहा मेरे हबीब को पावर ले जाओ, तुम्हारी उम्मत में से कोई आदमी अगर शिर्क नहीं करेगा मुझे तो शुक्रिया लिमन हुकूमत करने लायक नहीं, इनकी बजट तुम रात कम लोग मैंने औरत को दिखा दी हुकूमत कर रही। अरे मामले
और फिर कहते चला इन लोगों को क्या हो गया, शैतान ने इनको गुमराह कर दिया है। ये सूरज के बनाने वाले की इबादत तुम्हें कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अगर एक पहले को सामान दे दी जाए तो पहली तकलीफ जो करेगा वो तौहीद के ऊपर रोटे शुरू कर देगा। इसका मतलब कायनात का अकीदा तौहीद का शिर्क से कोसो कायनात का दर रहा है। कायनात को यह किया क्या शिर्क नहीं करना, तौहीद किया अकीदा है पूरी कायनात ये साबित। ये सूरह बकरा की आखिरी आयत उलमा ने रास खोल दिया है, क्या है, आमन रसूल बिमा अंजिल इलैहि मिन रब्बी वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिललाहि व रसूलिही व मलाइकातिही व कुल्लुन आमन बिललाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही व कालू समीना व अतअना। खलास समीना व अतअना। तौहीद तुम्हारी जिंदगी में होना, तौहीद आई कि तुम्हारा रابطہ अल्लाह से और समय का रابطہ है तजस्सुम तुम्हारा ताल्लुक रसूल से। रसूल जो बोले कदम चला समय ना हो, राज खुल गया मेरे राज का, राज खुल गया कि समय ना रابطہ ना हमने सुना है बात कि रसूल जो बोले आमन ना बस रखना समय ना रابطہ ना, ये राज खोल दिया गया। खवातीम सूरत बकरा देख रहे समय ना पाता हमने सुना होता। और तीसरी चीज पांच वक्त की नमाज, क्यों, इसलिए कायनात का सबसे बड़ा अमल नमाज ही। प्रेम प्रेम यह प्रेम अलम दान अल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द व तय्यु साफात कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहा। कायनात को कायनात के हर शय को अपनी नमाज से करेगा मालूम, सला कुल्लु तदाई व सला तस्बीहा। कायनात के हर शय नमाज पढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि कायनात का सबसे बड़ा अमल नमाज है और कायनात का सबसे असीम अकीदा की तौहीद है और कायनात का सबसे बड़ा पैशन और जज्बा ये समय नमाज है। करीब ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اين الطائرين। زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد ہم نے زمین اور آسمان سے کہا, کائنات سے کہا چلو آ جاؤ, تو زمین اور آسمان نے کہا کہ ہم نے تیری بات سنی اور اطاعت کرتے ہوئے ہم تیری جناب میں آ گئے ہیں, طائرین اللہ اکبر, اور یہی مطلوب ہے اطاعت۔ ہم یہ بولتے ہیں اطیع اللہ واطیع الرسول, نہ تو اس سے کیا مطلب ہے, जहां बस बस ये
जान के बैठ गए, मतलब जिया जान है मेरे और पैसा तो नहीं हूं। पहली, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना।
बाद अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, अगर जो वो बोल दे घर से निकल जा सारा माल ये कर। अब भाई हमारा काम तब हो जाएगा हरी का माली एक बार बच्चे ले उठ ले आ गए और ये माल ये सब मेरा है। भाई हमारा अल्लाह तबारक तआला अपना हक अदा न करे। ये तो बंदा है जो हुकूक अदा नहीं करता, अल्लाह का
छोटी नस शिर्क का मफहूम नहीं बताया, ठीक है, अल्लाह का वादा